अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। हाफिज मोहम्मद जलालुद्दीन साहब इमाम खतीब मस्जिद या नूर को दावा देता हूँ कि वो मुखातिब हो। दुनिया का सबसे बड़ा इनाम है ये आपके लिए, दुनिया में सबसे बड़ा तोहफा है आपके लिए। जब वो कबूल करते हुए इसको पर अमल भी करें और इसकी तिलावत भी अपने घरों में जारी रखेंगे, इस उम्मीद के साथ आप कबूल कीजिए। बीबी फातिमा, बीबी फातिमा, ओफिया तहमीन, जमात हब्तम से नाज़मीन बेगम, बच्चे को बोला था महक बेगम, सुलेमान नगर को दावा देता हूँ, तशरीफ लाए। मोहम्मद मुश्ताक साहब एरिया प्रेसिडेंट को दावा देता हूँ कि उसे तशरीफ लाए। और नूरे कुरान सादिखा सातवीं जमात फातिमा बेगम, सादिखा सातवीं जमात सना बेगम, सादिखा सातवीं जमात खालिदा बेगम, जो फाउंडेशन की जानिब से मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जो हमारे इमरोज भाई ने मुझे कहा था कि साहब हम तो हर कोई असली तालीम के तरफ तवज्जो दे रहा है, लेकिन हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर हम दीनी तालीम के अंदर भी थोड़ा इनको उजागर करेंगे। तो ये देखते हुए हमारे इमरोज भाई ने कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम आप मुनक़द कीजिए जैसा कि हमारे बच्चों को जो असली तालीम के साथ साथ जो दुनियावी तालीम जो दी जा रही है उसके साथ साथ उनको दीनी तालीम होना। ताहिर साहब वार्ड मेम्बर और यहाँ स्कूल के जिम्मेदारान और प्रिंसिपल साहब और हाफिज साहब और हमारे सीनियर मुश्ताक भाई सदर इब्तदाई हाफिज भाई साहब, आज यहाँ पर स्कूल में जो प्रोग्राम रखा गया कल इसकी तिला ताहिर भाई मुझे दिए थे कि किशनबाग के इमरोज साहब यहाँ पर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको कुरान मजीद उनके तरफ से दी जा रही है। उनके बहुत खुशी की बात है, आप जानते हैं कि कुरान मजीद 1400 साल पहले आपके और हमारे आखा सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो कुरान उतरा था। 1400 साल से लेके अब तक कुरान मजीद दुनिया में हर कोई पढ़ते हैं और मैं यही बोलना चाहता हूँ जब से तफसीली हाफिज साहब बताए कि रोज़ाना एक रुकू पढ़ना
बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ फरिश्ते 24 घंटे इनके साथ रहते जो पढ़ने वालों के साथ, बल्कि बहुत बड़ी फजीलत है उसकी। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, कई गैर मुस्लिम लोग कुरान मजीद का मुतायला करते करते इस्लाम कबूल करे। कुरान मजीद में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं।